फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फिर से आ गए हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ। तो यहाँ पर देखिए, प्रीव्यू तो आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो अपने फोटोज़ का, वो भी सिंपली एक क्लिक में, तो कैसे बना सकते हो वो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आज जो ट्यूटोरियल होने वाली है वो यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन में होने वाली है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि पता है कि कैपकट एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी एक VPN डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और उसे कर लेना है ऑन। उसे ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए, ये वाली जो टेम्पलेट की लिंक यहाँ पर मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट में मिल जाएगी nseditor.in, और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में भी दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर देखिए nseditor सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे ये जो वीडियो का टेम्पलेट है वो यहाँ पर मिल जाएगी। ये वाली जो टेम्पलेट है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रोम का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा बहुत लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये वाली जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद नीचे आपको शो हो जाएगा यूज़ टेम्पलेट इन कैपकट, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपको कैपकट के एप्लीकेशन में, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको यूज़ टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपके फ़ोन के फोल्डर्स जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो ऑलरेडी ही सेलेक्टेड होगा, तो आपको चले जाना है फ़ोटोज़ में। फ़ोटोज़ में जाने के बाद यहाँ पे एल्बम में चले जाना है। जिस भी किसी फोल्डर्स में आपकी फ़ोटो होगी सिंपली वहाँ पर चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ फ़ोटोज़ को कर लेती हूँ सेलेक्ट। ज़्यादा तो इस पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर ये वाली जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोटोज़ को जनरेट करेगी वीडियो। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, उसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या होगा, एक्सपोर्ट। अगर कोई भी फ़ोटो आपको पसंद नहीं है, आपको चेंज करना है, तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर देखिए रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाता है, क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर फ़ोटो एडिटिंग। तो रिप्लेस करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। आपको जो भी फ़ोटो को ऐड करना है उसे ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, क्रॉप करना है कोई फ़ोटोज़ को तो यहाँ पर क्रॉपिंग का ऑप्शन दिया गया है। क्या है, यहाँ पर कैपकट के लोगो शो हो रही है। तो यहाँ पर सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रेशियो दी गई है, आप किस रेशियो में से डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे जो फ़ोन है उसमें 2K 4K भी सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर मैं 2K 4K कर आपको सिंपली डन कर देना। यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए जो आप वीडियो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी आपके फ़ोन के गैलरी में। तो इस तरीके से आसानी से आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टाग्राम के लिए रील्स वीडियो बनाना चाहते हो अपने फ़ोटोज़ का तो बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।